अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत शुक्रिया आपका कमेंट्स करने का, देखने का, आप पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे एक बेल आइकॉन का बटन और सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ आ रहा होता है, सब्सक्राइब को क्लिक करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने मेरी हर नई वीडियो आपको टाइम से आपको मिल जाए। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं आज की मेरी जो रेसिपी है वो है आलू कीमा। तो उसके लिए मैंने कीमा लिया है, तकरीबन 400 ग्राम कीमा है। मैंने टमाटर लिए हैं, दो बड़े टमाटर लिए हैं और एक मैंने प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, ये मैंने ग्राइंड इसको मैंने पीस लिया है। और साबुत खड़े मसाले मैं बड़ी इलायची, ज़ीरा और दालचीनी ली है, हरी रेड चिली जाएगी, हल्दी पाउडर जाएगा, सॉल्ट और इसमें आलू हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल के हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास कीमा है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा इसमें ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर साथ ही हम लोग जो टमाटर पिसा हुआ, जो अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, वो प्याज और साबुत खड़े गरम मसाले जो हैं तो उसके अंदर हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में हम थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। ये सारे हम लोगों ने अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने, और जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो इसको तकरीबन 10-15 मिनट तक इसको जो ना हल्की आंच पे हम इसको भूनेंगे ताकि इसका जो है वो अच्छी तरह से कीमा गल जाए। अपने ही पानी में इसको गलाना है। अब साथ ही मैं इसको इसमें डालने के बाद इसको मैं हल्की आँच करके ढक दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन हम लोग तकरीबन 10 मिनट तक इन बिटवीन इसको खोलेंगे और हलाते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसको चेक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा जो है कीमा अच्छी तरीके से भून चुका है, आप देख रहे हैं। अब हम इसके अंदर, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं, कुछ तो इसमें आप ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। हमने हरी मिर्च इसमें ऑलरेडी मसाले के साथ हमने पीस ली थी, इसलिए मैं रेड चिली पाउडर इसमें थोड़ा कम डालूँगी। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा और मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तकरीबन 4-5 मिनट हम अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारा जो कीमा है वो अच्छे तरीके से भून चुका है, या देख रहे हैं ऑयल भी छोड़ दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर आलू इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये दम में ही आलू गल जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने 2 मीडियम साइज़ के इसमें आलू डाले हैं मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे। इसको मैंने ढक दिया है। अब तकरीबन ये कोई 4-5 मिनट के अंदर अंदर हल्की आपने इसको दम पे रखें, आलू हमारे इसमें गल जाएंगे। फिर हम इसको इसमें हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। तो हमारे जो आलू हैं वो गल चुके हैं, हम चेक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे बहुत मज़े का हमारा आलू कीमा जो है वो तैयार हो चुका है।
अब हम इसके अंदर जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला हम उसके अंदर वो डालेंगे। इसके अंदर हम धनिया डालेंगे। ये देखेंगे हमारा बहुत मज़े का आलू कीमा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी जो रेसिपी है आलू कीमा, अभी ये मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, तो हमारी आज की बहुत मज़ेदार किस्म की आलू कीमा की डिश जो है वो रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और साथ में मैं एक और बात आपसे जो हमेशा कहती हूँ, अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और प्लीज़ अगेन मेरे चैनल को प्लीज़ इसी तरह पसंद करते रहें, लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग नए वीडियो के साथ लंदन वाली फैमिली आपसे दोबारा मिलेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।